रजब तैयब एर्दोगान, आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम। तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगान का यूएन जनरल असेंबली में सीरियन क्राइसिस, फलिस्तीनी कन्फ्लिक्ट, कश्मीर लॉकडाउन पर बेबाक खिताब। आप देख रहे हैं SD24, मैं आपके साथ अहमद कुरैशी। İskanını sağlamaktır. Şu görülen bizim sınırımızdır. Ve aşağıda da derinliğini olan bölge budur. Şu güvenli bölge ilan edildiğinde bu güvenli bölgeye biz rahatlıkla 1 milyon ile 2 milyon arasında Elen Kurdi yani Syrian refugee ki dardgınak तस्वीर हाथ में लिए यह जो शख्स खड़ा है कौन है शख्स? क्या उसका परिचय उसके नाम से कराना चाहते हैं? वह इससे ज्यादा का हकदार है। यह शख्स यूरोप के उन ख्वाबों का खून है जो ब्रिटिश सफीर ने 1924 में फॉल ऑफ सल्तनत ए उस्मानिया के वक्त देखा था और सफीर ने अपने खिताब में कहा था कि अब हालात यह है कि तुर्की पूरी तरह तबाह हो चुका है और अब यह दोबारा कभी नहीं उठ सकेगा क्योंकि तुर्की की रूह से हमने इस्लाम और आंखों से खिलाफत उस्मानिया के ख्वाब को हमेशा के लिए नोच कर फेंक दिया है। यूनाइटेड नेशन असेंबली में तैयब एर्दोगान के ने मुख्य दर्शक यूनाइटेड नेशन के वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया, बल्कि सीरिया के नन्हे मासूम की लाश को एवानो इंसानियत पसंदों के दरमियान ले जाकर रख दिया। कश्मीर मजलूम को जब खुद अपने लोग ही प्रोपगंडा कहने जेनेवा तक गए और राष्ट्रवाद की चरस पीकर उम्मत के असल कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब यह मर्द मुजाहिद अपनी बाउंड्री तोड़कर तुर्की के मफाद और प्रॉब्लम्स को बालाए ताक रखकर उस वक्त कश्मीर में हो रहे मजलूम को फिर से दुनिया के बीचों बीच ले आया। कमोवे 60 मुस्लिम हुकूमतें, लेकिन क्या एक से भी यह उम्मीद की जा सकती है कि वह अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म से दुनिया की आंखों में आंख डालकर कहे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए? क्या अरब जगत में एक भी मुस्लिम हुक्मरान है कि फलिस्तीन कन्फ्लिक्ट पर इजराइल के नाजायज कब्जे के मैप को लेकर जाकर यूनाइटेड असेंबली के मुंह पर मार सके और कहे कि कहां है इजराइल बॉर्डर? तैयब एर्दोगान को कश्मीर या फलिस्तीन से चुनाव भी नहीं लड़ना है। सीरिया से उस मफाद को अगर कोई कहे तो मैं यह मान भी सकता हूं कि सीरिया और तुर्की एक दूसरे का बॉर्डर शेयर करते हैं, पर कोई मफाद जो तुर्की के कश्मीर से जुड़ा हो? फिर तैयब एर्दोगान का बयान जिस रेफरेंस से तुर्की हितों की बात को ताक पर रखकर कश्मीर सीरिया फलिस्तीन को मरकजी बयान में हिस्सा देने की जो नीयत थी, उसे ही उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जो उम्मत के कॉन्सेप्ट को मानता है उसे दर्द है, जिसे दर्द है वह फिर किसी के आंतरिक मामलों का लिहाज नहीं करता, क्योंकि उम्मत मोहम्मदी पर जुल्म पूरी उम्मत का आंतरिक मामला है, भले वह कितने हो बॉर्डर्स में बांट दिए गए हो। आंतरिक मामलों को पामाल करता यह शख्स तुर्स नस्ल से ताल्लुक रखता है, जिसके जहन से उस्मानी मीनार सुल्तान सल्तनत दीन कुरान अरबी को 17 साल से जोरे बाजू और ताकत दम पर निकाला गया था और फिर मर्द मुजाहिद उठा जो अपनी कौम को बेदार किया, उनको संगठित किया, उनको डेवलपमेंट और दिगर सहूलियतें देकर उनका यकीन हासिल किया और बड़े ही हिकमत से अपनी कौम का रुख अरब के रेगजारों में मौजूद माजी की तरफ मोड़ दिया। आज उसी अतातुर्क की नस्ल का बच्चा बच्चा अतातुर्क के बजाय गाजी से मुतासिर है और यह सब कुछ हमारे सामने हुआ है।